ओ माय गॉड, रियल में यहाँ पे हम लोग को रियल में मज़ा आ चुका है इसका जो कूलर का नया अपडेट देखकर। आप लोग देख सकते हो भाई, काफ़ी सारा तो डिजाइन तो चेंज होगा। चलिए बात छोड़ देते हैं डिजाइन का। यहाँ पे एक चीज़ सबसे पहले मेरा जो रिक्वायरमेंट था फायरबेस का ऑथेंटिकेशन में, एक आ चुका है यहाँ पे फ़ोन नंबर साइन इन एंड वेरिफिकेशन कोड का, जो फ्री का SMS सिस्टम होता है, आपका मोबाइल में आएगा OTP। ये जो सबका रिक्वायरमेंट था 10,000 फ्री वाला SMS, ये अभी हम लोग को मिल चुका है। एंड थंबनेल में जैसे बताया हूँ, यहाँ पे न्यू मोनेटाइजेशन से लेकर न्यू एड्स कमीशन, आपका डिजाइन से लेकर एंड आपका वेब व्यू अपलोड सिस्टम एंड डायनामिक कंपोनेंट सिस्टम, मिनिमम FAQ यहाँ पे 19 का कर दिया है। एंड आपको गॉड रिसीव सैलेड ऑप्शन, ये भी फेसबुक का एड भी सॉल्व हो चुका है। काफ़ी सारे नया अपडेट्स है। थोड़ा सा झलक आप लोग को दिखा देता हूँ, जो मुझे बहुत खुश हो चुका हूँ ये अपडेट्स को लेकर। तो आप लोग देख सकते हैं कूलर का कम्युनिटी टैब में यहाँ पे आ चुका है। आप लोग को यहाँ पे काफ़ी सारे सिस्टम बता दिया गया है। एंड यहाँ पे बोला कि उनका जो एड का जो कमीशन सिस्टम है, जितना कंपोनेंट ज़्यादा कम यूज करेंगे तो वहाँ पे कमीशन आपका कम रहेगा। एंड यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आपका वेब व्यूअर जो अपलोड सिस्टम जो नहीं हो रहा था, यहाँ पे अपलोड वाला सपोर्ट कर रहा है। पहले काफ़ी लोगों का ये क्यूरी था। एंड सबसे बड़ी और एक बात यहाँ पे कि आप लोग ब्लॉक्स में जाकर फाइल को अगर PNG फाइल में सेव कर देते हैं, जैसे ब्लॉक्स में गया एंड यहाँ पे हम लोग डाउनलोड करते हैं ब्लॉक एस इमेज, तो ये क्या होता है कि PNG फाइल होता है ना, इसको हम लोग अपलोड कर सकते हैं। ये कभी कैसे दिखेंगे, कैसे क्या काम करता है, एंड इसको अपलोड करेंगे तो वापस ये ब्लॉक्स आ जाएगा आपका प्रोजेक्ट का अंदर में। एंड यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे Android 9 का सपोर्ट कर दिया गया है। एंड यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका प्रोजेक्ट 5 से 10 गुना फास्ट हो चुका है। एंड आपका प्रोजेक्ट को भी रिनेम कर सकते हो आप लोग। एंड यहाँ पे मिनिमम STK 19 कर दिया गया है, पहले जो 16 था, मतलब Android 4.4 वर्जन को सपोर्ट करेगा शुरू से। एंड यहाँ पे कॉपी पेस्ट कंपोनेंट, ये भी एक अच्छा ऑप्शन दे दिया है, जो सभी का रिक्वायरमेंट था, जो हम लोग गलत तरीके से कर रहे थे। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो आप लोग को यहाँ पे कॉपी आ जाता है। यहाँ पे बॉटम अगर करेंगे तो बॉटम में भी कॉपी आ जाता है। एंड यहाँ पे अगर कॉपी कर लिए हैं तो यहाँ पे पेस्ट करने के टाइम पे भी आप लोग दिखाता है कि पेस्ट अबव करना है या पेस्ट बिलो करना है। तो बहुत ही अच्छा है, आपको कोई भी कंपोनेंट का अगर डिजाइन आपने यहाँ पे चेंज किए होंगे तो बड़ी आसानी से यहाँ से हो सकता है। एंड इसको छोड़कर काफ़ी सारे बढ़िया सा डिजाइन चेंजेस किया गया है, जो यहाँ पे बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़े बहुत जो मेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक न्यू कंपोनेंट जेसन वाला फाइल यहाँ पे अपडेट किया गया है। एंड आपको एक की गार्ड मैनेजर दिया है, जहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा ये यूटिलिटी कैटेगरी के अंदर में। इसका जरिए में आप अपना एप्स को अनलॉक कर सकते हो फोन का सिक्योरिटी लॉक का हिसाब से, जो मेरे हिसाब से जैसे फिंगरप्रिंट हो या आपका बटन लॉक हो, उस हिसाब से आप अपना ऐप को भी यहाँ पे लॉक किया जा सकता है। एंड यहाँ पे डायनामिक व्यू में आप लोग डायनामिक कार्ड व्यू दिया है, डायनामिक इमेज व्यू दे दिया है, एंड काफ़ी सारे और भी दिया गया है। तो आप लोग इसका थोड़ा बहुत झलक मैं कभी ज़रूरत पड़ेगा तो दिखा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए कितना सारे अपडेट्स आप लोग को आया है। एंड यहाँ पे गूगल प्ले गेम्स के बारे में ऑलरेडी बता चुका था। एंड यहाँ पे कूलर का डोनेशन सिस्टम दिया है, अगर ये कंपोनेंट को यूज़ करेंगे तो आपका ऐप्स के जितना एड्स है वो उनको चला जाएगा, आपको बिल्कुल नहीं आएगा। एक टाइप का आप डोनेट कर दिए हैं वो ऐप्स। एंड यहाँ पे मोनेटाइजेशन में आपको एड कॉलर ने इंटरस्टेशियल दे दिया, एंड ऐप लॉगिन का भी इंटरस्टेशियल दे दिया, एंड फेसबुक में भी और एक नया डाल दिया, फेसबुक रिवार्डेड वीडियो। तो यहाँ पे ऐसे मोनेटाइजेशन में जाते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, जनरल एंड एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का अंदर देखेंगे एडमूव एंड फेसबुक को, देखिए 3 एडवर्टाइज यहाँ पे आ गया है। एंड स्टार्टअप का भी इंटरस्टेशियल एड सपोर्ट नहीं कर रहा था, ये भी हो चुका है। एंड इन ऐप अपडेट, जो मैं इसका ऊपर वीडियो भी बना दिया था, जो कैसे आप अपना ऐप्स को अपडेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे और कुछ चेंजेस किया गया है। एंड यहाँ पे जैसे बताया था कि गॉट रिसीव सेलेक्ट, ये वाला आपको Screen 1 में मिल जाएगा, अगर आप अपना ऐप्स को शेयरिंग वाला ऐप्स अगर करना चाहते हैं। एंड यहाँ पे और कुछ है, आपका एक्सो प्लेयर में भी कुछ चेंजेस आया हुआ है। एंड सोशल पोस्ट नोटिफिकेशन में भी आप लोग कुछ सेंड मैसेज डन सक्सेसफुल दिखाएगा। एंड डाउनलोड कंपोनेंट भी कितना परसेंट इसका डाउनलोड हुआ, वो एक प्रोग्रेस भी यहाँ पे दिखाएगा, ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा चीज़ है। एंड यहाँ पे देखिए फायरबेस ऑथेंटिकेशन में भी कुछ ऑप्शन दिया है, रिसेट पासवर्ड, ईमेल भी, ये भी एक ऑप्शन दिया है। यूट्यूब का भी इनिशियलाइज ऑप्शन होता है कि आपका प्लेयर अगर इंस्टॉल हुआ तो क्या हुआ का क्या नहीं होगा, ये एक ऑप्शन है। स्नैक बार का ऊपर में कुछ न्यू मेथड दिया है। ये पुश नोटिफिकेशन भी आप लोग यहाँ पे दे दिया है कि सेंड कर सकते हैं डायरेक्ट मैसेज आपका अपना ऐप का अंदर से। एंड आपका ऐप प्ले स्टोर में इंस्टॉल है या किसी दूसरे जगह से इंस्टॉल है, यहाँ पे ये कंपोनेंट का जरिए में भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको छोड़ के डायनामिक बॉटम, डायनामिक लेवल, डायनामिक टेस्ट बॉक्स, जो आप फायरबेस में हो कहीं पे भी कमांड देकर आप लोग ब्लॉक्स का जरिए में भी एक बॉटम को बना सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, सारे चीज़ यहाँ पे फंक्शन दे दिया गया है। एंड जो मैं बात कर रहा था फायरबेस ऑथेंटिकेशन, ये शुरुआत में दिखा दिया था, तो यहाँ पे ये दोनों कंपोनेंट है। एंड कुछ इस तरह ब्लॉक्स रखेंगे तो शायद काम हो जाएगा, मैं अभी टेस्ट नहीं किया हूँ, फिलहाल ये बढ़िया सा काम करेगा मेरा उम्मीद है। लेकिन हाँ, उसका पहले आप लोग को
एक जेसन फाइल क्रिएट करके डालना पड़ेगा। एंड यहाँ पे और भी कुछ फ़ोन का वेरिफिकेशन है आपका, यहाँ पे देख सकते हो। बाकी सारे मैप का ऊपर है जो मुझे अभी फिलहाल रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी सारे अपडेट्स आप लोग देख सकते हो। एंड जो रिसीव शेयर्ड वाला फाइल जो था मैं बता रहा था शुरुआत में, जो शेयरिंग वाला ऑप्शन, यहाँ पे टेक्स्ट है, वीडियो है, इमेज है, ये भी एक ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट कर लेगा। फ्लोटिंग बार में भी कुछ चेंजेस किया है। यहाँ पे इतना सारे चेंजेस से एक्चुअली बताना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि एक एक करके अगर नहीं समझाएंगे आप लोग को शायद समझ में नहीं आएगा। एंड यहाँ पे और एक चीज़ देखिए, मोनिटाइजेशन में क्या दिख रहा है कि एड मूव इंडस्ट्रियल कंपोनेंट में यहाँ पे एक दिख रहा है कि कौन सा इंडस्ट्रियल एड से कमीशन यहाँ पे लेगा, यूनिटी एड, या कौन सा एड आप अपना एप्स के अंदर चलाना चाहते हैं। यहाँ पे ये एक ऑप्शन दे दिया आप लोग को चुनने के लिए। मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ है। एंड आप लोग जैसे देख सकते हो कि भाई फेसबुक अगर ऐड दे रहे हैं आप लगा रहे हैं, तो आप लोग को ऑप्शन मिल जाएगा कि यूनिटी एड का कमीशन लेना है कि किसका कमीशन लेना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एडमो का इंस्टॉल एड डाल दिया, तो यहाँ पे ऐसा आ गया, तो यहाँ पे आ गया कि कमीशन आप किस में से लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को चार ऑप्शन दे दिया जैसे कि आप किसका ऐड शो करवाना चाहते हैं। तो ये एक आपके लिए ऑप्शन हो गया, मेरे हिसाब से ये एक अच्छा चीज़ है अगर आप लोग को इस तरह चाहिए। एंड बता देना चाहता हूँ कि फेसबुक का भी आप लोग को अपडेट हो चुका है। एंड यहाँ पे लीड बोर्ड का भी ये सारे चीज़ ऑप्शन दे दिया है, तो आप लोग देखेंगे तो अगर ऐप का साइज है, यहाँ पे बोल रहा है कि 0.2 MB भी कम कर दिया गया है। एंड पे देखिए फेसबुक का जो लेटेस्ट वर्जन है 5.4.1 यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे काफ़ी सारे तो अपडेट्स हैं, एक एक करके समझाएंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, लेकिन फिर भी जो भी किया है कोल्डर ने, काफ़ी बड़ा चीज़ अपडेट ला कराया है जो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है। एंड अगर इसमें से कोई भी चीज़ आप लोग को पर्टिकुलरली चाहिए, बोलिए, सबसे पहले उसका ऊपर में वीडियो बना के समझा देते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है। ये डिज़ाइन कैसा लगता है ज़रूर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। एंड ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। यू गाइस जय बैक ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।